तो हेलो गाइस, कैसा आप सभी लोग, स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले में। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो दोस्तों, आज की वीडियो की खास बात यह है कि आज मैंने नेदर वर्ल्ड में फोर्ट्रेस ढूंढ ली है। वैसे इतनी आसानी से नहीं ढूंढी यार, मतलब मैं लगभग 20 बार किल हुआ हूँ फोर्ट्रेस ढूंढने में, ठीक है। तो वहाँ पर मैं बिना किसी आर्मर के गया था और लगभग 20 बार गया हूँ मैं नेदर वर्ल्ड में, और लगातार मैं ढूंढता रहा फोर्ट्रेस, क्योंकि वो तो ढूंढनी थी यार। तो अंत में जाके मुझे ना फोर्ट्रेस मिल गई है। तो वहां तक जाने का मैंने एक सीक्रेट रास्ता भी बनाया है, क्योंकि जो वहां पे घास्ट होती है ना नेदर वर्ल्ड में, वो बड़ी खतरनाक होती है यार। मतलब वो आग के गोले ऐसे बरसाती है कि मतलब मैं उसी की वजह से ज्यादातर हर बार किल हुआ हूं, ठीक है। और फिर उसके बाद जब मैं फोर्ट्रेस के करीब पहुंच गया ना एक सीक्रेट रास्ता बनाते हुए, तो उसके बाद वहां पर मुझे ब्लेज मॉब्स ने मार डाला। वहां पर ब्लेज मॉब्स भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है यार, लेकिन उससे हमें ब्लेज रोड मिलेगी, ये मुझे पता है, ठीक है। तो अभी मैं आप सभी को चल के दिखाता हूँ कि देखो, यहाँ से अभी अपना जो ये नेदर पोर्टल है, यहाँ से हम लोग बाहर निकले, ठीक है। ज़्यादा इधर तक मैंने रास्ता नहीं बनाया है, ओके। तो मैं एक बार बताता हूँ आप सभी को, देखो यहाँ से अपना ये एक सीक्रेट रास्ता तैयार होता है। अब इस पे क्या है, जो घास्ट मॉब्स होती है वो भी हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकती है, क्योंकि ये एक तरह का पूरा सीक्रेट रास्ता है, ठीक है। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो मान लेते हैं फोर्ट्रेस तो तुम्हें मिल गई थी, लेकिन उसके बाद तुमने रास्ता कैसे बनाया। तो देखो दोस्तों यार, मैंने किया ऐसे कि मतलब जब मुझे फोर्ट्रेस मिली ना, कई बार किल हुआ लेकिन अंत में मैंने फोर्ट्रेस ढूंढ ली, तो फिर उसके बाद मैंने वो कोऑर्डिनेट्स है ना वो याद रख ली। तो कोऑर्डिनेट्स मुझे याद थी, उसके बाद में मैं धीरे धीरे रास्ता बनाते बनाते लगभग 2 घंटे में ये रास्ता पूरा बन पाया है, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि एक एक ब्लॉक मुझे इसका लगाना पड़ा है। तो मैंने मतलब नेदर ब्लॉक के एक एक ये ब्लॉक लगा के चारों तरफ से आप लोग देख सकते हो, और पूरा ये एक सीक्रेट रास्ता तैयार किया है। अब मैं बताऊं आप सभी को, वैसे ये बनाते हुए भी मैं एक दो बार किल हुआ हूं, क्योंकि मैं ऊपर से गिर गया, आग के गोले घास्ट चला दी और मतलब मैं जा गिरा। तो एक बात और बताना चाहता हूं कि अभी जहां पे मैं चल रहा हूं ना, ये बिल्कुल हवा में बना हुआ रास्ता है। कई जगह मतलब ये हवा में नहीं है, लेकिन कई जगह बिल्कुल हवा में है, और मतलब नीचे पूरी लावा की नदियां है, उसके ऊपर से भी मैंने बनाई है, मतलब ये रास्ता मैंने बनाया है। तो बड़ा डर लग रहा था यार इस रास्ते को बनाते हुए, क्योंकि ये ना मतलब नीचे पूरा लावा मुझे दिखाई दे रहा था और इतने मॉब्स दिखाई दे रहे थे नीचे की साइड में, लेकिन यार ये मुझे बनाना था, अंत मैंने बनाया यार। तो दोस्तों, अभी जो नेदर वर्ल्ड में बायोम थी वो बदल चुकी है, आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे है ना थोड़ा थोड़ा बर्फ उड़ रहा है, वैसे ये बर्फ तो नहीं होगा, कुछ और है, लेकिन लग रहा है ऐसा जैसे कि बर्फ उड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो अभी ब्लेज आ चुकी है, तो मैंने मतलब यहाँ पे ना एक स्पोनर था वो मैंने देख लिया था, तो इसलिए मैं स्पोनर के बिल्कुल जस्ट सामने अपना एक सीक्रेट रास्ता निकालना चाहता था, सो मैंने निकाल दिया। वैसे मुश्किल बहुत आई मुझे यार, क्योंकि मैंने बताया ना आपको काफ़ी बार किल हुआ, लेकिन अंत मतलब मैंने निकाल तो दिया यार। तो यहाँ पे देखो अभी जो अपने सीक्रेट रास्ता, उसके अंदर भी ये ब्लेज आ चुकी है। खैर चलो, अभी तो मैंने इसको भगा दिया है, चल। अब दोस्तों मैं एक बात और बताऊं आप सभी को, ये जो फोर्ट्रेस है ना, फोर्ट्रेस मैंने ढूंढ ली, लेकिन एक बात और है कि फोर्ट्रेस के पास में जब मैं मतलब फोर्ट्रेस ढूंढ रहा था ना, तब मुझे गोल्ड के ब्लॉक दिखाई दिए थे फोर्ट्रेस के बिल्कुल पास में ही, ठीक है। वैसे थोड़ी दूराई तो होती है, आप लोग जानते हो यार, लेकिन यह है कि मुझे गोल्ड के ब्लॉक दिखाई दिए थे, तो उन्हें भी मुझे तोड़ना है यार कैसे ना कैसे करके, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा। ये रास्ता हमें स्पोनर तक लेकर जाएगा, और उसके लिए हमें रास्ता बनाना पड़ेगा जो गोल्ड के ब्लॉक है। तो देखो अभी मैं स्पोनर के बिल्कुल पास में आ चुका हूँ, और यहाँ पर मैंने ना स्पोनर के चारों साइड में डर्ट लगाई थी। मैंने सोचा था कि यार थोड़े टाइम के लिए जो ये ब्लेज स्पोन हो रही है ना, ये स्पोन होना रोक देता है, लेकिन यार मतलब डर्ट लगाने से ये स्पोन होना रुकी नहीं। तो अब मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे ना टॉर्च लगानी पड़ेगी। फिलहाल मैं टॉर्च अभी तक नहीं लाया हूँ, तो टॉर्च मैं बाद में लगा दूंगा। फिलहाल तो अभी देख लो आप, मुझे ना एक ब्लेज रोड मिल चुकी है यार दोस्तों, मैं इतनी सारी ये ब्लेज किल किया ना उससे। वैसे यार दोस्तों, ये जो ब्लेज होती है ना, इनको मारना इतना भी आसान नहीं होता यार। अगर ये है कि मेरे पास में कोई आयरन की स्वॉर्ड होती या डायमंड की होती, तो शायद ये थोड़ी जल्दी मर जाती, लेकिन अभी यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लेकर आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी डायमंड की स्वॉर्ड यहाँ पे छूट जाए यार। देखो इतना मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं था अभी तक फिलहाल, तो इसीलिए क्या है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं लेकर आया यहाँ पे। मेरे पास में तो अभी पिकैक्स भी नहीं है, ठीक है। पिकैक्स में वैसे पहले लेकर तो आया था, लेकिन अभी शायद मैं चेस्ट में रख के भूल गया हूँ। अब दोस्तों, जो अपना नेदर वर्ल्ड का जो गेट है, मतलब जहाँ पे हम लोग नेदर वर्ल्ड में स्पॉन होते हैं, वहाँ से और ये फोर्ट्रेस है ना, वैसे तो काफ़ी दूर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार पास में ही होगी, इसीलिए बना लिया इतना सा रास्ता, लेकिन जब मैं अभी रास्ते में आपको चलते हुए दिखा रहा था ना, तब कितना लंबा रास्ता यार, बहुत दूर आना पड़ा है मुझे, तो इसीलिए मतलब रास्ते को बनाने में दिक्कत मुझे इसीलिए तो आई, क्योंकि ये बहुत दूर था यार। और आप लोग देखो ना, बायोम ही बदल चुकी है, तो बायोम जब बदलती है तो कितनी लंबी होती है एक बायोम, और दूसरे में मैं आया हूँ।
तो चलो यार दोस्तों, अभी मैंने आपको फोर्ट्रेस तो दिखा दिया, फोर्ट्रेस तक अपना रास्ता बन चुका है। बस ये है कि उस रास्ते को थोड़ा और सही करना पड़ेगा, जो अपना नेदर का जो मतलब गेट है वहाँ तक उस सीक्रेट रास्ते को ले जाना पड़ेगा, ताकि हमें आगे कोई दिक्कत आए नहीं। ठीक है, और अब मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से एक और सीक्रेट रास्ता निकाल लेता हूँ। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मुझे याद है, तो इसलिए हमें थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा, उसके बाद में हमें गोल्ड के ब्लॉक दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जल्दी से मैं कट करता हुआ जाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ लावा, ओके, तो देखो यहाँ पे मैं सोच रहा था कि लावा आ सकता है भाई साहब, क्योंकि मैंने जितनी बार भी नेदर वर्ल्ड में ऐसे कट किया है ना नेदर ब्लॉक, तो लावा डेफिनेटली आया है हमेशा। चलो यार, इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल, और मुझे रास्ता बदलना पड़ेगा अब। यहाँ से कट करते हुए नहीं जाऊँगा अब, क्योंकि यहाँ पे लावा आएगा यार। वैसे अभी अपने पास में बकेट होती तो शायद इस लावा को मैं अगर भर लेता ना, तो ये लावा यहाँ से ख़त्म हो जाता, क्योंकि इतना सा कि लावा आए है। चलो यहाँ पे तो मैंने नेदर ब्लॉक लगा दिया है, अब इसको तोड़ता हूँ, एक बार लावा ख़त्म हो जाने दो। अब एक काम करता हूँ, मैं रास्ता थोड़ा बदल देता हूँ। तो अभी मैंने फिलहाल रास्ता बदला, और उधर की साइड में भी यार लावा आ गया यार, मतलब कमाल की बात है यार, हर जगह लावा ही लावा आ रहा है। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्राउच होकर क्यों चल रहा हूँ, तो यार देखो क्राउच होकर इसलिए चल रहा था कि मतलब गलती से अगर नीचे का ब्लॉक टूट जाए तो हो सकता है नीचे लावा की नदी हो और एक ही ब्लॉक बीच में हो, तो इसलिए मैं थोड़ा बैठ के चल रहा था, ताकि मैं लावा में जाके ना गिरूँ। ठीक है, क्योंकि अभी पूरी आर्मर इक्विप कर रखी है मैंने, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी लूट जाए। वैसे तो मेरी ना काफ़ी बार लूट चली गई है लावा में, मैं कई बार गिर चुका हूँ आज के दिन में। तो यार दोस्तों, आज फोर्ट्रेस ढूंढने में है ना मेरा वैसे तो है ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है यार, लेकिन खैर बात यह है कि मैं फोर्ट्रेस तक पहुंच गया यार, तो अब कोई डरने वाली बात नहीं है यार, जब फोर्ट्रेस ही मिल चुकी है। पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि यार इतना लंबा चौड़ा रास्ता मैं कैसे बनाऊंगा, क्योंकि फोर्ट्रेस अपना जो नेदर वर्ल्ड का गेट है ना वहाँ से काफ़ी दूर थी, तो बस वही बात सोच सोच के मुझे लग रहा था कि मैं बना ही नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने बना लिया यार वहाँ तक पहुँचने का रास्ता। तो अभी देखो मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, और यहाँ पे फोर्ट्रेस के ऊपर से मुझे रास्ता निकालना पड़ेगा। फोर्ट्रेस भाई साहब इतनी दूर में फैली हुई है, आप लोग देखो दोस्तों यहाँ पे तो फोर्ट्रेस है ना, और नीचे काफ़ी सारे मॉब्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब इधर ब्लेज भी आ सकती है, क्योंकि स्पोनर एक ही नहीं रहती, काफ़ी ज़्यादा रहती है यार फोर्ट्रेस में। ये नीचे देखो काफ़ी सारे मॉब्स है यार, ये अगर एक तीर चलाएगा ना तो मैं सीधा नीचे जाके गिर सकता हूँ यार, अभी संभल के खेलना पड़ेगा अभी थोड़ा। तो दोस्तों यहाँ से मुझे बस एक बार ही रास्ता बना के वहाँ से जो गोल्ड के ब्लॉक है वो लेकर आना है, तो इसलिए ज़्यादा सही रास्ता तो मैं बनाऊँगा नहीं। हाँ ये है कि मतलब आगे जाने के लिए थोड़ा सही रास्ता होना चाहिए, क्योंकि मैं सेफ चला जाऊं और सेफ आ जाऊं गोल्ड ब्लॉक लेकर। तो वहां पे लगभग मुझे पता है कि 17-18 ब्लॉक मुझे टोटल मिलेंगे। वैसे मैंने उस टाइम जब देखे थे गोल्ड के ब्लॉक तो दूर से देखे थे, मैंने गिने नहीं थे कितने हैं, लेकिन लगभग इतने ही होंगे, क्योंकि थोड़ी सी दूराई में फैले हुए थे वो। अब यार वैसे तो अपना जो गोल्ड का फार्म है वहाँ से भी हम गोल्ड कर सकते हैं, लेकिन यार फ्री में जब इतने सारे हमें गोल्ड के ब्लॉक मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा यार उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें ले ही लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देख लो रास्ता बिल्कुल सही से मैंने कर दिया यार, अब आगे बढ़ता हूँ मैं एक बार। ठीक है, अब ज़्यादा दूर नहीं है गोल्ड के ब्लॉक, थोड़ा सा और आगे जाना है हमें। तो दोस्तों देख लो अभी जो बायोम है वो इधर की साइड में बदल चुकी है, जो मैंने दूसरा रास्ता बनाया है, और सामने की साइड में आप देख सकते हो गोल्ड के ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो वहाँ पे गोल्ड के ब्लॉक, मैं थोड़ा ये रास्ता है ना गलत बना दिया यार, शायद मैं सोच रहा था कि यार मैं बिल्कुल गोल्ड के ब्लॉक पर निकल जाऊँगा, लेकिन ये रास्ता थोड़ा गोल्ड के ब्लॉक से आगे की साइड जा रहा है, तो मुझे थोड़ा रास्ता बदलना पड़ेगा। ओके, तो अभी फ़िलहाल मैंने ना रास्ता अपना बदल दिया है। ठीक है, थोड़ा और मुझे नेदर ब्लॉक कट करना पड़ा, लेकिन अब ये है कि अपने जो गोल्ड के ब्लॉक है वो हमें मिल जाएंगे। वैसे ऊपर काफ़ी सारे मॉब्स हो सकते हैं, एक बार ऊपर निकल के देखना पड़ेगा, यहाँ पे मैग्मा ब्लॉक भी है काफ़ी सारे, और लावा भी भरा हुआ है भाई साहब। तो यार दोस्तों मैं सोच रहा हूँ, देखो यहाँ पे तो गोल्ड के ब्लॉक है और इधर की साइड से हमारा जाने का रास्ता है। ठीक है, ये हमें मतलब जो नेदर वर्ल्ड का गेट है वहाँ पे छोड़ देगा सीधा ले जाके। तो इधर की साइड में मैं सोच रहा हूँ थोड़े ब्लॉक लगा देता हूँ, क्योंकि ये मैग्मा ब्लॉक है ना, इससे भी मैं किल हो सकता हूँ, मतलब कोई मॉब्स आ जाए तो वो मुझे इसके ऊपर ले जाके पटक सकता है, आप लोग समझ सकते हो। तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा डर लग रहा है अभी फिलहाल, इसलिए इस लावा को भी बंद कर देता हूँ मैं। और अब मैं उधर की साइड में जाऊँगा ना, तो उधर अगर कोई मॉब्स आ भी जाएगा तो मुझे इधर फेंक नहीं पाएगा, इसलिए मैंने थोड़े ब्लॉक लगाए हैं नेदर के। यार काफ़ी अलग अलग तरह के यहाँ पे ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं यार दोस्तों, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से कौन से ब्लॉक लेकर हमें चलना चाहिए। फिलहाल मैं और ब्लॉक तो ले नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ गोल्ड के ब्लॉक ले लेता हूँ। ये देखो ये चूरन आ गया यहाँ पे एक, चलो ये छोटा चूरन था वैसे तो, इसलिए इसको जल्दी किल कर दिया मैंने, नहीं तो बड़ा वाला आ जाता ना तो अभी मैं ही किल हो जाता, क्योंकि बड़े वाले से मैं है ना ये नेदर वर्ल्ड में जो आता है ना वो चूरन, उससे मैं जीत नहीं सकता हूँ। हाँ वर्ल्ड में वो ग्रीन कलर का आता है उससे ज़रूर मैं जीत जाता हूँ, वो इतना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन यहाँ वाला कुछ ज़्यादा ख़तरनाक। ये देखो ये भी कुछ अलग तरह का ब्लॉक है यार,
चलो ये तो अपने बैग में वैसे ही आ जाएंगे, इनको बाद में देखेंगे क्या है ये। फिलहाल मैं अभी गोल्ड कट कर लेता हूँ, और थोड़ा ठीक से करना पड़ेगा, नहीं तो जो गोल्ड का ब्लॉक है ना वो हो सकता है यार लावा में चला जाए। भाई सब गया क्या लावा में? ओके चलो टोटल मुझे 7 तो यहाँ पे मिल चुके हैं यार ब्लॉक। और मैं इधर की साइड में स्टोन लगा देता हूँ, स्टोन नहीं है पता नहीं कौन सा ब्लॉक है, फिलहाल ये मैं लगा दिया हूँ इधर, ताकि अपना जो गोल्ड का ब्लॉक है वो लावा में ना गिरे। तो दोस्तों टोटल है ना 7 गोल्ड के ब्लॉक मेरे पास में आ चुके हैं, और अभी भी मुझे गोल्ड के ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। तो मैं बोल रहा था ना आपको, लगभग मैंने जब पहले देखा था, जब मैंने फोर्ट्रेस ढूंढी थी तब मैंने ये गोल्ड के ब्लॉक भी देखे थे, तो मेरा अंदाजा है ये 17-18 तो हो ही जाएंगे यार, उससे ज़्यादा हो जाए तो और भी अच्छी बात है। और यहाँ पर यार ये देखो, ये अलग ही शक्ल का एक आ जाता है बार बार में उठ के, इसको पहले किल कर देता हूँ, नहीं तो ये क्या है सारा मामला गड़बड़ कर देगा अपना यार। एक तो दोस्तों यार मुझे डर काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं फिर से किल ना हो जाऊँ, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में मैं काफ़ी बार किल हुआ हूँ, फोर्ट्रेस ढूंढने में भी काफ़ी बार किल हुआ हूँ, तो इसलिए मैं थक गया यार किल होते होते। तो ये वाला ब्लॉक नेदर क्वार्ट्स का है, ओके स्लेब है ये, वैसे ब्लॉक नहीं है यार दोस्तों, ये भी मैंने ले लिया है। और उधर की साइड से फिर से चूरन आ रहा है यार, यहाँ पे मॉब्स की काफ़ी कमी नहीं है, मतलब काफ़ी है यार यहाँ पे कमी क्या भाई साहब। ये मुझे सच में लुढ़का के मानेगा यार, इससे मुझे वैसे भी डर लगता है, और ये साला मरने में भी नहीं आता देखो। चलो अब इसके अंडे बच्चे होंगे भाई साहब, और वो देखो ओके कर दिया ख़त्म यार। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं दोबारा आया हूँ यार वहाँ से अपने वर्ल्ड में से, और अब जल्दी से मैं अपनी जो भी लूट है वो ले लेता हूँ यार। और यहाँ से एक काम करते हैं, फटाफट से गोल्ड के ब्लॉक कट करते हैं और चलते हैं यार, फालतू में टाइम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा मॉब्स आते हैं। चलो तो अभी फ़िलहाल एक और ब्लॉक रह चुका है गोल्ड को ऊपर की साइड में, तो मैं यहाँ पे नेदर ब्लॉक लगा के और इसको भी ले लेता हूँ यार। उधर की साइड में नेदर क्वार्ट्स का भी एक ब्लॉक रह गया है, ब्लॉक नहीं मतलब स्लैब रह गई है, उसको भी ले लेता हूँ। यहाँ पे गोल्ड के 2 ब्लॉक थे, और इधर की साइड में भी ब्लॉक गिरे हुए थे। चलो तो अभी सब कुछ ले लिया है मैंने, और अब यहाँ पे दोबारा हमें आना भी नहीं है। तो दोस्तों मैंने एक बार फिर से यहाँ पे ना ऐसे ब्लॉक लगाए थे टाइम पास के लिए, मतलब यार देखे कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो अब फिलहाल मैं तोड़ लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है मॉब्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं यार, तो इसलिए क्या है मैंने चाहता कि यहाँ पे मैं किल हो जाऊँ और अपने गोल्ड के जो ब्लॉक है वो यहीं पे रह जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक आया हूँ यार रास्ता बनाते बनाते। तो अब कट कर लेता हूँ मैं, क्या इतनी देर बैठा बैठा यहाँ पे टाइम पास करने लग गया था। तो ये रहा अपना सीक्रेट रास्ता। अब दोस्तों इस रास्ते की आज के बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि गोल्ड के ब्लॉक तो सारे मैंने ले ही लिए हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे नेदर क्वार्ट्स के भी ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं यार, अब यहाँ तक आए हैं हमने, इतनी मेहनत की है ये रास्ता बनाने में, तो थोड़े नेदर क्वार्ट्स भी ले लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो हमने फोर्ट्रेस ढूंढी है वहाँ की, तो देखो वहाँ पे मतलब जो ब्लेज होती है उनको वैसे तो मैं ना किल कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आसान नहीं है यार उनको किल करना यार, थोड़ी मुश्किल ज़रूर आ रही है मुझे। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार उनका क्या किया जाए, मतलब वो किल होते रहे आराम से और हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। अगर हमारे पास में ब्लेज रोड होगी ना तो हम फर्नेस आराम से चला सकते हैं, मतलब वो फ्यूल का काम करती है ब्लेज रोड, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ यार अगर ज़्यादा ब्लेज रोड हो जाएगी अपने पास में तो अच्छे खासे अपने फर्नेस चलते रहेंगे। और जो मैं बेम्बू लेकर आया था ना, बेम्बू है ना बिल्कुल बेकार है यार, मतलब फर्नेस चलाने में तो फ्यूल का काम वो करते हैं लेकिन यार काफ़ी ज़्यादा लगते हैं यार, मतलब बार बार में फ्यूल की जगह बेम्बू को डालना पड़ता है, तो इसलिए मतलब उससे अच्छा तो कोल ही था या चारकोल ही था। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं ब्लेज रोड से चलाऊँगा अपना फार्म, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा हमें। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं एक काम कर लेता हूँ, ये नेदर क्वार्ट्स ले लेता हूँ जल्दी से, और उसके बाद में हम लोग चलते हैं वापस वहाँ पे फोर्ट्रेस पे, ठीक है। अब वहाँ पे एक बार मैं देखता हूँ, थोड़ा यार मुझे देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम जो ब्लेज है उन्हें किल कर सकते हैं यार, नहीं तो ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही है यार उन्हें किल करने में। तो दोस्तों अभी है ना नेदर क्वार्ट्स के जितने भी ब्लॉक मुझे दिखाई दिए वो मैंने सारे के सारे कट कर लिए, और अभी मैं नेदर पोर्टल से जा रहा हूँ अपने वर्ल्ड में, ठीक है। और ये मेरे साथ में पता नहीं क्यों आ गया यार, कई बार ऐसे ये वाले मॉब्स आ जाते हैं साथ में। चलो तो अपने घर पे जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल में, और जो अपना नेदर पोर्टल है ना इस वर्ल्ड में आने का, वो काफ़ी दूर स्पॉन हो रखा है, मतलब मैं जाता अलग पोर्टल से हूँ और आता अलग पोर्टल से हूँ यार, गेम ने मतलब अलग से जाने क्यों दे दिया यार मुझे आने के लिए, तो अब इतनी दूर से आना पड़ता है मुझे। अब यार पहले तो है ना जो नेदर पोर्टल था ना वो एक ही था, मतलब मेरे घर में उससे मैं आता था और उससे मैं जाता था। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल है ना मैंने जो गोल्ड के ब्लॉक थे वो रख दिए हैं मेन वर्ल्ड में जाके, मतलब हमारे घर में, और अब देखो मैं आ चुका हूँ वापस फोर्ट्रेस पे। यहाँ पे देखो ये ब्लेज ने आग लगा रखी है, और देखो ये कितनी सारी स्पॉन हो रही है यार, इनको थोड़ा किल करते हैं एक दो को यार, थोड़ा यहाँ पे शांति बनाते हैं, नहीं तो क्या है कुछ भी करने नहीं देगी। देखो यहाँ पे सामने की साइड में दोस्तों आपको स्पॉनर भी दिखाई दे रही होगी, तो देखो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा मतलब नेदर के ब्लॉक भी लगा देता हूँ ना, तो उसके बाद एक बात हो जाएगी कि अगर ये मेरे पर आग के गोले भी फेंकेगी ना
तो मैं किसी लावा वावा में या फिर इधर उधर नहीं गिरूंगा। देखो इधर की साइड में भी गिर सकता हूँ मैं और किल हो सकता हूँ, तो अपनी सारी लूट जा सकती है। तो पहले एक बार क्या है, थोड़ी मतलब यहाँ पे सेफ रहने के लिए थोड़े ब्लॉक मुझे लगाने पड़ेंगे। ये देखो फिर से स्पॉन हो चुकी है। लेकिन यार दोस्तों इस तरह से ना बिल्कुल खुले खाले इनको किल करना थोड़ा मुझे मुश्किल होगा यार, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो तो दोस्तों आप लोग बताना, अगर ब्लेच के लिए मुझे फार्म बनाना है तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि ब्लेच के लिए फार्म बनाना है या नहीं बनाना है। अगर आप लोग बोलोगे कि ब्लेच के लिए फार्म बना लो ताकि आराम से किल कर पाओ, तो फिर उसके बाद बता देना कमेंट में, फिर उसके बाद हम ट्राई करेंगे। यार वैसे मुझे आता नहीं है यार फार्म बनाना ब्लेच का, लेकिन फिर भी ट्राई करूँगा फार्म बनाने की, ठीक है? तो बस कॉमेंट में बता देना एक बार आप लोग। वैसे यार दोस्तों जब मैं ये जो ब्लेज होती है इनको किल करने की ट्राई करता हूँ ना, तो इनसे टन टन की आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोहे की। और ये देखो भाई साहब, इसको तो किल कर देता हूँ मैं जल्दी से। इससे यार दोस्तों कॉल भी मिलता है, और देखो इसने क्या कर दिया यार, मेरी हेल्थ लगातार जा रही है और अपने जितने भी दिल थे हेल्थ के वो सारे के सारे ब्लैक हो चुके हैं। लो भैया, तो दोस्तों वैसे तो मैं किल हो गया था लेकिन फिर से दोबारा आया हूँ यार, और अभी इनको फटाफट किल करता हूँ। यार ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा यार स्पॉन हो रही है, दूसरी बात आग के गोले भी फेंक रही है। मुझे एक काम ये भी करना पड़ेगा, हर बार मैं भूल रहा हूँ, यहाँ पे मैं टॉर्च लेकर नहीं आ रहा, मुझे टॉर्च लेकर आनी पड़ेगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार टॉर्च मैं बाद में लेकर आता यार, मैं सोच रहा था कि पहले इस एरिया को थोड़ा सेफ कर देते, मतलब यहाँ पे थोड़े ब्लॉक लगा देते ताकि यार दोस्तों अगर ब्लेज आग के गोले भी फेंके मुझ पर तो मैं ऐसी जगह ना गिरूँ जहाँ पर लावा हो, ठीक है? क्योंकि मैं कई बार नीचे जाके गिर चुका हूँ यार, इसीलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मुझे ना टॉर्च तो यहाँ पे लानी पड़ेगी, ताकि मैं क्या है मतलब स्पॉनर पे चारों तरफ टॉर्च लगा दूंगा, ऊपर की साइड में टॉर्च लगा दूंगा, उसके बाद में उससे ब्लेज स्पॉन होना बंद हो जाएगी जब तक मैं टॉर्च नहीं हटाऊंगा। तो इसीलिए इस तरह से रोक सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, और फिर उसके बाद वहाँ पर करेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़ इनको किल करने का यार। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आज के ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे एक और न्यू गेम प्ले में, तब तक के लिए गुड बाय।